तो हाँ जी दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? स्वागत है आपका क्वालिटी मंत्रा में। इस वीडियो में हम रिव्यू करेंगे मामाअर्थ की सनस्क्रीन का। ये सनस्क्रीन अभी मार्केट में न्यू है, लेकिन ऑलरेडी ये काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो चुकी है और मैं इसको यूज़ कर चुका हूँ। काफ़ी चीज़ें हैं जो मुझे इसकी अच्छी लगी हैं, लेकिन दोस्तों कुछ चीज़ें हैं जो मुझे इसकी अच्छी नहीं लगी हैं, और इस वीडियो में मैं आपसे सारा कुछ शेयर करूंगा। जस्ट थोड़ी पेशेंस रखना और इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। चलिए दोस्तों, आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए शुरू करते हैं इस रिव्यू को। दोस्तों पहले मैं आपको इस सनस्क्रीन के बारे में छोटा सा ओवरव्यू दे देता हूं। ज़्यादा लंबा नहीं होगा, सिर्फ कुछ ही सेकंड्स की बात है, लेकिन इससे आप इस प्रोडक्ट को ज़्यादा अच्छे से जान सकोगे। तो ये मामाअर्थ की सनस्क्रीन आती है इस वाइट कलर की प्लास्टिक की पैकेजिंग में, जिसकी क्वांटिटी होती है 80 ग्राम्स की। इसका पूरा नाम है अल्ट्रा लाइट इंडियन सनस्क्रीन। इसके मेन इंग्रेडिएंट्स हैं कैरेट सीड एंड टर्मरिक, और इसमें आपको SPF 50 मिल जाता है। और इस सनस्क्रीन में ना तो पैराबेंस का यूज़ किया गया है, ना ही सिलिकॉन्स का यूज़ किया गया है, और ये डर्माटोलॉजिकली टेस्टेड है और ये इंडियन स्किन के लिए डिज़ाइंड की गई है। इसके प्राइस को देखें तो इसका MRP प्राइस है 499 रुपीज़, लेकिन आपको ये 400 के आसपास की ऑनलाइन मिल जाती है, और लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दिए रहेंगे। चलिए दोस्तों देखते हैं इस सनस्क्रीन के टेक्सचर को। तो ये एक क्रीम बेस्ड सनस्क्रीन है जिसका टेक्सचर काफ़ी ज़्यादा लाइट रखा गया है। तो इसको आप जैसी स्किन पे यूज़ करोगे, कुछ ही सेकंड्स में ये स्किन के अंदर अब्जॉर्ब हो जाती है, क्योंकि इस सनस्क्रीन में अल्ट्रा लाइट फॉर्मूला का यूज़ किया गया है। और इस सनस्क्रीन को बच्चे, बूढ़े, मेंस, वुमेंस सारे लोग यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इसमें कोई हार्मफुल इंग्रेडिएंट यूज़ नहीं किया गया। चलिए दोस्तों देखते हैं इस सनस्क्रीन के इंग्रेडिएंट्स को। तो मुझे मामाअर्थ की ये चीज़ बड़ी अच्छी लगती है कि ये अपने प्रोडक्ट्स में नेचुरल इंग्रेडिएंट्स का यूज़ करते हैं, और सेम इस सनस्क्रीन में भी आपको नेचुरल इंग्रेडिएंट्स मिलेंगे। इसके मेन इंग्रेडिएंट्स दो हैं, जिसमें से एक है कैरेट सीड और दूसरा है टर्मरिक, और इन्हें नेचुरल सन ब्लॉकर्स भी कहा जाता है, क्योंकि सन की हार्मफुल यूवी रेज को ये काफ़ी हद तक ब्लॉक कर देते हैं। और इसमें और भी काफ़ी सारे इंग्रेडिएंट्स का यूज़ किया गया है, लेकिन अच्छी बात है कि इसमें पैराबेंस एंड सिलिकॉन्स का यूज़ नहीं किया गया। तो इसको बच्चे, बूढ़े, मेंस, वुमेंस सारे लोग यूज़ कर सकते हैं विदाउट फेसिंग एनी साइड इफ़ेक्ट्स। और इस सनस्क्रीन को दिन में एक ही बार यूज़ किया बहुत होता है, पूरा दिन आपको सन से प्रोटेक्शन मिल जाती है। चलिए दोस्तों देखते हैं इस सनस्क्रीन के मेन इफेक्ट के बारे में। तो जैसे ही हम इस सनस्क्रीन का यूज़ करते हैं, तो इस सनस्क्रीन में अल्ट्रा लाइट फॉर्मूला का यूज़ किया गया है, तो कुछ ही सेकंड्स में आपकी स्किन के अंदर अब्जॉर्ब हो जाएगी। और चाहे आप इसे मॉइस्चराइजर के ऊपर से अप्लाई कर रहे हैं, चाहे आप सीरम के ऊपर से अप्लाई कर रहे हैं, चाहे आप वैसे इसका यूज़ कर रहे हैं, स्किन में कोई भी आपको ग्रीसी फील, स्टिकनेस वाली फील नहीं आएगी। तो आपकी स्किन के अंदर ये ईजिली अब्जॉर्ब हो जाती है विदाउट प्रोवाइडिंग एनी साइड इफ़ेक्ट्स। और आपको इस सनस्क्रीन में 50 SPF मिल रहा है, तो सन की जो मोस्टली हार्मफुल यूवी रेज हैं उनको ये इजीली ब्लॉक कर देगी और आपकी स्किन को डैमेज होने से बचाएगी। साथ ही साथ इसमें टर्मरिक का यूज़ किया गया है, तो थोड़ा बहुत वाइटनिंग इफेक्ट भी स्किन को प्रोवाइड कर देती है। तो अगर आप एक ऐसी सनस्क्रीन ढूंढ रहे हो जो कि सन से भी आपको प्रोटेक्शन दे, साथ ही साथ स्किन में थोड़ा निखार भी प्रोवाइड करे, तो उस केस में ये सनस्क्रीन आपके लिए बहुत अच्छी चॉइस बन जाती है। अब दोस्तों यहाँ पे एक मेन क्वेश्चन ये आता है कि इस सनस्क्रीन को किस किस स्किन टाइप के पीपल यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए इसकी पैकेजिंग के ऊपर लिस्टेड है कि ये ऑल स्किन टाइप सूटेबल है, जिससे मैं काफ़ी हद तक एग्री करता हूँ। लेकिन दोस्तों मैंने एक चीज़ नोटिस की है कि अगर आपकी ऑयली स्किन है और आप मॉइस्चराइजर भी यूज़ कर रहे हैं, सिरम भी यूज़ कर रहे हैं, उसके बाद आप इस सनस्क्रीन को अप्लाई कर रहे हैं, तो आपको थोड़ी सी ऑयली फील आएगी। ये सिर्फ उसी केस में है अगर आप ज़्यादा मेकअप का सामान यूज़ कर रहे हैं और उसके ऊपर से इस सनस्क्रीन को अप्लाई कर रहे हैं। अगर आप नॉर्मल प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं, जैसे कि सिंपल मॉइस्चराइजर यूज़ किया, उसके ऊपर से इस सनस्क्रीन को यूज़ किया, या फिर अकेला सिरम यूज़ किया, उसके ऊपर से आपने इस सनस्क्रीन का यूज़ किया, तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं है। और ये सनस्क्रीन ड्राई स्किन वाले यूज़ कर सकते हैं, ऑयली स्किन वाले यूज़ कर सकते हैं, कॉम्बिनेशन स्किन वाले भी यूज़ कर सकते हैं। और मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस के हिसाब से मैंने अभी तक जितनी सनस्क्रीन यूज़ की है ना, उसमें से ये मामाअर्थ की सनस्क्रीन मेरे को वन ऑफ दी बेस्ट लगी। और मैं आपको भी सजेस्ट करूँगा कि आप एक बार इसको जरूर ट्राई करके देखिए। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करना, अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो इसको सब्सक्राइब कर लेना, और दोस्तों इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। दोस्तों अगर आपके मन में कोई सवाल है तो आप उसे नीचे कॉमेंट सेक्शन में पोस्ट कर सकते हैं। जल्द
जल्दी मिलेंगे एक और नए प्रोडक्ट रिव्यू के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।